अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे एनिमेशन के जो पार्ट 3 में शामदीद जो इस प्लेलिस्ट के लिए खसूसी तौर पर बनाया है, ये बोन है। बोन को फिलहाल मैं एक्ट मोड में जाके इनको एच दबा के मैं हाइड कर रहा हूँ। मैंने फेस पकड़ा है, आपको पता है ये करेक्टर मैं कहाँ से लाया हूँ। तो ये शेप कीज में हम जाते हैं तो हमारे पास मल्टी कुछ शेप कीज आती हैं, ऑल एंग्री जो है। हाँ तो ये ठीक है बोलने के लिए। अब नीचे माउस लाना, नीचे वाली पर, और मैंने आई प्रेस करना है। उसके बाद जब यहाँ आपने एरो ले जाना है तो इसको नीचे खींचना है ऐसे। अब ये कोर बन गया। यहाँ जाके आपने ग्राफ एडिटर में चले जाना है, चैनल पे पहुँच के बेक साउंड टू एफ कर में चले जाना है। डाउनलोड में मेरे पास शायद कोई व्हाट्सएप में ऑडियो पड़ी थी, इसको दे दिया। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये ग्राफ एडिटर है। असल में ग्राफ एडिटर क्या है, ये आवाज़ के उतार चढ़ाव से 1 और 0 के दरमियान उसकी वो एनिमेशन करता है। लेकिन ये देखें, ये पूरा माउथ ओपन नहीं हो रहा। वीडियोज़ में ये तो समझाते हैं, ये नहीं समझाया जाता कि अगर ये वॉइस इस हद तक है, ये माउथ ओपन नहीं हो रहा तो ये अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले हम ऊपर एक और ले लाते हैं खींच के एक लेआउट, यहाँ जाके हम वीडियो सिक्वेंसर करेंगे। देखें जब तक आप इसके ऊपर माउस रख के आई नहीं दबाएंगे, ग्राफ एडिटर नहीं आएगा। ऐड में चले जाएं, यहाँ जाके साउंड और सेम साउंड वही वाला, तभी साथ सिंक होगा। तो ये पड़ा वो ले लिया। यहाँ जाके आप एन प्रेस करें और डिस्प्ले वेव फॉर्म, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टार्ट में आप। मैं तुम्हें हजार बार ये कह चुकी हूं। देखें इसमें इतना माउथ ओपन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो आप दरम्यान में जाए मॉडिफायर में, यहाँ जाके आपने नॉइज पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे वाले में आपने मल्टीप्लाई पर करना है, और शिफ्ट पर हाथ रखते हुए यानी होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना है। अब देखिए, मैं तुम्हें हजार बार ये कह चुकी हूं कि मेरा अच्छा अब लिप सिंक फिर भी नहीं हो रहे तो प्लेबैक में जाएं, यहाँ जाके सिंक तो ऑडियो ये कर दें। अब देखें, मैं तुम्हें हजार बार ये कह चुकी हूं कि मेरा अच्छा होना दुनिया वालों के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया। अभी आप फिर स्टार्ट में चले जाएं। अभी आप देखें कि इसने एंग्री मूड में क्या ऐसे, और अगर हम किसी और मूड में जाते हैं अपनी मर्जी की कोई शेप की, फेस एक्सप्रेशन के लिए आप साथ हैं। इसको भी यहाँ आई प्रेस कर दें, ये रिकॉर्ड वाला ऑन रहे। अभी जब वो चाहिए यहाँ जाके, यहाँ थोड़ा सा, और यहाँ जाके इसको आप और ये देखते हैं। मैं तुम्हें हजार बार ये कह चुकी हूं कि मेरा अच्छा होना दुनिया वालों के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह आप आई दबा के ना, दो तीन लेयर्स में गुजार के यहाँ आपके पास काफी ज्यादा फेस एक्सप्रेशन आ गए, उनसे आप उसको ला सकती है बाहर। अब आ गया रेंडर सेटिंग, तो मैं सिंपल 50 प्लेन कुछ भी नहीं ले रहा, 50, और मैं ले रहा हूँ एक लाइट, सनलाइट ले लेते हैं। जी जी यहाँ चले जाते हैं, लाइट देखते हैं कैसी लगती। अभी इसको हमने बड़ा कर दिया,
लाइट को शिफ्ट ए एरिया लाइट कैमरा लेते हैं शिफ्ट ए कैमरा यहाँ इसके मुंह की तरफ जाके हम आर्ट कंट्रोल जीरो ठीक है F12 दबा के देखते हैं क्या हमारा आ रहा है जी बिल्कुल आ रहा है तो ये हो गया कैमरे की एडजस्टमेंट ठीक है फोकल लेंथ सब कुछ हमने कैमरे के देख लिए शिफ्ट दबा के दाएं बाएं आप कर सकते हैं पीछे हमने कुछ भी नहीं मतलब कि ग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया ठीक है अब कैमरे में भी एक सेटिंग होती है कैमरे में अगर आप व्यू पॉइंट डिस्प्ले में जाएं और जो है ना फिर जरा और आगे कर दो तो बाकी वाला एरिया हाइड हो जाता खुद जीरो दबाए ये कैमरा आ गया अभी नीचे देखते हैं हमने टाइमलाइन पर जब हमने करेक्टर अपना पकड़ा है उस पर गए तो ये टाइमलाइन अब नजर आएगी ये यहाँ से घूमते 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 आपकी यहाँ तक ये आ गई 193 यहाँ जाके आपने 193 एंटर जीरो दबा दें पीछे जो मर्जी ग्राउंड लगा सकते हैं HDR लगा सकते हैं काफ़ी चीज़ें हम लगा सकते हैं देखिए HDR भी पड़े हैं ये वाले भी पड़े हैं क्लिक करके फ्री पर कर वो फ्री वाले आए कुछ भी आप अपने मंजर के हिसाब से ये लगाना है ओके कर दें तो ये रेंडर में आपको नज़र आएगा ठीक एनवायरनमेंट अभी आप F12 दबाते हैं तो ये कुछ इस तरह का है सबसे ऊपर मेरे पे ये ईवी है साइकिल जो है वो बड़ा ही स्लो होता है ठीक है इसलिए हम ईवी पर रखेंगे वो तो सिस्टम का खून पी जाता है इसके बाद यहाँ इसको इतना ही रहने दो इनपुट क्लूजन ऑन कर दो ब्लूम ऑन कर दो और नीचे वाले पर आ जाओ यहाँ जाके वो रेजोल्यूशन है यहाँ जाके वो कितने फ्रेम तक एंड होना है ये यहाँ जाके आपने इस फोल्डर पर क्लिक करना है बाहर ले जाना है सैंपल एक्सेप्ट PNG की जगह आपने FFMPEG वीडियो पर क्लिक करना है अभी नीचे जाना आपने इनकोडिंग में जाना है यहाँ जाके आपने MPG42 और किधर मर गई ये पड़ी MPG4 उसके बाद नीचे ऑडियो में नो ऑडियो यहाँ आपने कर देना MP3 रेंडर पर क्लिक करें रेंडर एनिमेशन पर क्लिक करें और ये हो रहा है आपका रेंडर अगर इसको मैं ज़रा साइड पर करता हूँ तो वो देखें वो भाग रहा है तो ये हमारा रेंडर है ये थोड़ी देर में रेंडर हो जाएगा उसके बाद आपको दिखा देता हूँ और यहाँ ये क्लास जो है तीसरी आपकी ख़त्म होती है ये बासानी आप इधर से इन चीज़ों को शेप कीस दे सकते हो और अपनी एनिमेशन बना सकते हो कैमरा जब लेना होता है पहला कैमरा तो अल्ट कंट्रोल जीरो जहाँ माउस ले जा के आप जिस रुख पर भी खड़े होंगे उसी रुख पर और ये कैमरा लग जाएगा शॉर्ट की से आज मैंने आपको इसमें जो टिप बताई है ये बताई नहीं जाती कि अगर ये लिप्स जो है ना ये कम ओपन होते हो ना तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो सेटिंग मैंने आपको समझा दी है कुछ लोग यहाँ वो उसको बेक में करते हैं फिर उनको ऊंचा नीचा करते रहते हैं पकड़ के तो वो अजीब सा तरीका है ये बहरहाल एक ज़बरदस्त मेथड है ऑटो लिप सिंक हो जाती है और ये हमारी होगी फायर रेंडर लो जी अभी देखते हैं क्या करतूत बना है आपको भी दिखा देते हैं आपको हमारी एनिमेशन की जो दूसरी के ये नहीं वो किधर गया
एस्टिमेशन जो भी हमने की है वो किधर पर गई? कहाँ दिया था हमने उसको पाथ है? यहाँ से देख लेते हैं, पाथ भूल गए हम। सिंपल कहाँ पड़े? कंट्रोल एक्स, ये तो पड़ा सी में डायरेक्ट। चलो सी में ढूंढ लेते हैं, ये चले गए हम सी में। तो ये पड़ी थी वीडियो जो अभी हमने। मैं तुम्हें हजार बार ये कह चुकी हूँ कि मेरा अच्छा होना दुनिया वालों के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें हजार बार ये कह चुकी हूँ कि मेरा अच्छा होना दुनिया वालों के लिए अच्छा नहीं। चलो जी, इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।